हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर से मानव श्रृंखला पर विशेष रिपोर्ट। जश्न आजादी का जश्न आज 700 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनाकर मनाया जा रहा है। इस जश्न में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा फील हो रहा है, कौन सी स्कूल से बेटा और कैसा फील हो रहा है आज इतनी लंबी यहाँ पे आप लोगों की चैन देख रहे हैं। अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, हम लोग केवी चालीपा संगठन स्कूल से। आपको क्या बताया गया, यहाँ पर आप क्यों आए हैं? यहाँ पर हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। यस, यहाँ पर हम ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी रैली बन रही है गंगानगर से लेकर यहाँ तक। बिल्कुल, इनको बताया गया कि 700 किलोमीटर लंबी यहाँ पर बहुत बड़ी चैन यहाँ पर बन रही है। आप कंट्री का फ्लैग लेके खड़े हैं यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं कंट्री का फ्लैग लेके खड़ा हूँ, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। इतनी बड़ी लंबी कभी चैन में अभी कभी शामिल हुए हो पहले? नो सर, मैं कभी नहीं हुआ। तो आज आप जब आपको कल बताया गया तो कैसा फील हो रहा था कि कल सुबह हम खड़े होंगे यहाँ पर और इतनी लंबी चैन में शिरकत करेंगे? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं आज देश के इस काम में हेल्प करूँगा। ये देश का भविष्य है, ये देश का वो भविष्य है जिनके हाथों में सारी की सारी देश की भविष्य की नीतियाँ होगी। देश के लिए वो लोग जिएंगे, देश के लिए उनका अंतिम समय में बलिदान भी काम आएगा। इतने सारे बच्चे आज शामिल हुए, आप जहाँ तक देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक नेशनल हाईवे जो है ये पठानकोट पंजाब तक ये हाईवे जाता है, जो गुजरात के कांडा तक को जोड़ता है। यहाँ पर ये सेंट्रल स्कूल के बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं और पूरा का पूरा जो यहाँ पर सिवाय सरकारी गाड़ियों के और जो यहाँ पर स्कूली वाहन है उनके अलावा किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। और 4 घंटे के लिए पूरा का पूरा ये जो रास्ता है ये जाम रखा जाएगा और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आएगी, 2 हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो पूरी की पूरी जो मानव श्रृंखला है इसका जायज़ा लेगी। जैसलमेर के अंदर उनका ठहरा होगा और हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरी मानव श्रृंखला पर फूल बरसाए जाएंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी के लिए दुर्गा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।